आपको रहने दीजिए माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, आपसे तो क्या ही बात करें। चाहो तो मेरी छान ले लो, तुम्हें तुम्हें ये चाहिए ना, ये सब रख लो। मैं पूछता हूँ ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये ड्रामा नहीं चल रहा है, ये तुमको सच दिखाया जा रहा है। तुम हसीना मलिक हो, उनके नाम की मर्यादा को समझो। हाँ। मांग लेगी? नहीं नहीं, मगर कैसे मांगू? तुम बताओ ना। लखनऊ पुलिस थाना में हमेशा केसेस आते रहते हैं, हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं उसको। इस बार है कि एक बंदा, उसकी बीवी की चेन चोरी हो गई और वो आकर थाने में चिल्लम चिल्ली मचा रहा है। तो कमज़ोर लोगों की निशानी होती है कि वो चीखम चिल्ली मचाते हैं, समझदार लोग अपने दिमाग से सॉल्व करते हैं। तो वो कमज़ोर है, बाद में पता चलता है कि वही बंदा कल्प्रिट है जो चीखम चिल्ली मचा रहा था। तो इसे सिद्ध होता है कि चीखना चिल्लाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आप उसको समझदारी से और दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा शो में, शो का फॉर्मेट वो है यार, शो का बेस वो है कि एक सेंसिबल पर्सन है, बाकी दो लोग नॉर्मल आदमी है। और दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक फॉलोअर्स होते हैं, एक लीडर्स होते हैं, एक फॉलोअर्स होते हैं। तो ऑल ऑफ अस आर फॉलोअर्स, शी इज़ द लीडर, वी गाइज़ आर फॉलोइंग हर। बेसिकली ऐसा होता है कि जो वाइफ होती है उसकी चेन उसके हस्बैंड ही है, वो स्नैच करके भाग जाते हैं और वो थाने आते हैं, हमें पूरा केस हमने सॉल्व किया होता है, बाद में पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने ही उनकी चेन जो है वो चोरी की हुई होती है, क्योंकि उन्हें बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते थे। तो यहाँ पे समझाया गया कि वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हस्बैंड जो है उन्होंने इतना गलत रास्ता चुना और ये सब गलत हरकतें की। Don't allow. Sir, आप ही बताइए वो चेन स्नैचर कब तक पकड़ा जाएगा? ये रहा आपका चोर। अरे भाई 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 भाई, आपको पुलिस आई है ना? मैं पूछता हूँ ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये ड्रामा नहीं चल रहा, जब किस्मत हो करेला तो क्या करेगा थकेला। नहीं चोर है ना, बाबू चिल्ला रहे थे ना। मैडम आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए, और अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था। तुमको ये नहीं दिखता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है और तुमने उनके साथ इतना बड़ा छल किया? बिजनेस में काफी लॉस हो गया था तो नया धंधा करना। अरे पर बैंक है ना, बैंक देती है पर्सनल लोन कम इंटरेस्ट पे, आपको ये करने की जरूरत? अभी आप जा सकते हैं, इसके लिए तुम असल में पैसे कमाएगी और धंधा करके भी पैसा कमाएगी। दादा लाड में आने की जरूरत नहीं है, एक बार बोलते यहाँ से धंधा नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तुम हसीना मलिक हो, उनके नाम की मर्यादा को समझो। नहीं कतई नहीं। बहुत बढ़िया, कटो फिर जाओ। मांग लेगी हूँ तुम मेरे काका, मांग लेगी। नहीं नहीं, मगर कैसे मांगू? तुम बताओ ना। तुम बता दे। नहीं बात।